So students, your next topic is proteins which are also called as polypeptide. So protein आज हम करने वाले हैं, तो हमें ये भी पता है कि polypeptide हम किसको कहते हैं, ठीक है? तो protein को हम polypeptide भी कहते हैं. So protein जो है वो क्या है, it's a polymer of amino acid. जब बहुत सारे amino acid combine होता है तो वो protein को बनाते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को पहले भी पता है ये एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड. जब बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होता है, इट फॉर्म द प्रोटीन, ठीक है? तो वो क्या बनाता है, प्रोटीन को बनाता है. तो प्रोटीन जो है इसको हम पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं? अब इनके बीच में जो हर एक अमाइनो, ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है, तो ये अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड चिक नाम ची के पारला ची दुगले ई पारला तेने खो ने पारला बॉन्ड्स होते चले, ठीक है? इनमें बॉन्डिंग हुआ है सी ओ और एन एच के बीच में, ठीक है? इनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग हुआ है. एंड दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. सो वॉट आर पेप्टाइड बॉन्ड? सो इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल द अमाइनो एसिड्स यूनिट्स आर लिंक टूगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, इनको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. तो इसमें क्या है, बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, सो दिस आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड. तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, प्रोटीन में अमाइनो एसिड जो है दे आर लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड. तो इनके बॉन्ड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि बॉन्ड इनके बीच में, प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, या कार्बोहाइड्रेट के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ठीक है? तो हर एक जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, बायो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में बॉन्डिंग हुआ होता है. तो यहाँ पे प्रोटीन जो है, जो कि अमाइनो एसिड का बना हुआ है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है? सो एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, प्रोटीन जो है वो हमेशा ज़्यादातर जो है वो हेटरोपॉलीमर होता है. सो प्रोटीन इज़ अ हेटरोपॉलीमर, नॉट अ होमोपॉलीमर, ठीक है? होमोज इन अ सेम, हेटरोज इन अ डिफरेंट, बिकॉज प्रोटीन के अंदर, ठीक है, जितने सारे अमाइनो एसिड है दे आर नॉट सेम, वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है? सो वो हेटरोपॉलीमर है. पॉलीमर जो ना फलंजी, मोनोमर रेरे नरेरे रेरे नरेरे रेरे नरेरे कंबाइन होते चीरा नुकले पॉलीमर, ठीक है? सो ये जो पॉलीमर है, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड. सो इनमें सारे अमाइनो एसिड जो है वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो प्रोटीन जो होते हैं वो हेटरोपॉलीमर होते हैं, दे आर नॉट होमोपॉलीमर. जैसे कि यहाँ पर प्रोटीन जिसे ना, जैसे कि खून है ना, सिर्फ लाइसिन 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 नंगे पर डुबते ना, तो उच्च सोले होमोपॉलीमर, ठीक है? तो जो प्रोटीन जो है वो होमो नहीं होते हैं, बल्कि वो हेटरोपॉलीमर होते हैं, ठीक है? सो हेटरोपॉलीमर मीन्स, अब ये जो प्रोटीन है वो कुछ जो है एलानिन के बने होंगे, कुछ ट्रिप्टोफैन, कुछ सस्टेन, कुछ प्रोलीन, ठीक है? तो अलग अलग अमाइनो एसिड के वो बने होंगे, ठीक है? सो इसका मतलब है प्रोटीन जो है वो क्या होता है, हेटरोपॉलीमर होता है. सो आई रिपीट, व्हाट आर प्रोटीन? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड दे आर लिंक टुगेदर. The amino acids are linked together with the help of peptide bond and a protein is a heteropolymer. वो क्या होते हैं? Heteropolymer होते हैं. अब चलिए protein का हम जो main, हम उनके structure और उनका function जो है वो अभी अब करने वाले हैं. तो सबसे पहले जब हम उनके structures को देखते हैं, protein जो है उनके चार structural levels हो सकते हैं, ठीक है? The protein has a four structural level. इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, ठीक है? तो ये इनके चार लेवल है, ठीक है? चार लेवल है प्रोटीन का. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर किनको कहते हैं? तो द लीनियर सिक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स यूनिट्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. लीनियर सिक्वेंस ले, लीनियर सिक्वेंस मीन्स इन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे लीनियरली, सम माइनस स्ट्रेट दुगले एक अमाइनो एसिड, जैसे कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड आपको जो दिखा रहा है, ठीक है? ये अमाइनो एसिड पोस्तांतरों का, ये अमाइनो एसिड को ना, अमाइनो एसिड को ज़्यादातर जो है वो लीनियर नहीं होते हैं, स्ट्रेट योमा नुकले, ठीक है? वो कभी स्ट्रेट नहीं होते हैं, नता एक्चुअल नस्ता नले, बट दक्षर नता लामोफिया वहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये नाम है सिक्वेंस टिक टिक थिंग्स दस्तानते नुकले, ये लीनियर सिक्वेंस पाते ने कोने प्राइमरी स्ट्रक्चर देते, इसको हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा है,
ठीक है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, दिस इज अ लीनियर सीक्वेंस, स्ट्रेटली लीनियर मोनोक्लोन, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि ई होने ना होगा, जो लेफ्ट एंड होता है, द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द लास्ट राइट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। लेफ्ट साइड पर होता है फर्स्ट अमाइनो एसिड से ना, राइट साइड पर देने आता है लास्ट अमाइनो एसिड पर जो अनुकले, ठीक है। सो लेफ्ट और राइट, और जो फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एन टर्मिनल। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है इसको हम एन टर्मिनल के साथ डिनोट करते हैं, एंड द लास्ट अमाइनो एसिड इज डिनोटेड बाय सी टर्मिनल, इसको हम सी टर्मिनल के साथ डिनोट करते हैं, ओके। सो द लेफ्ट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड द राइट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लास्ट अमाइनो एसिड, ठीक है। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन टर्मिनल एंड द लास्ट अमाइनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाई सी टर्मिनल, ठीक है। तो ये सी टर्मिनल का है। तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं द लीनियर सिक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाइनो एन टर्मिनल अमाइनो एंड एंड सी टर्मिनल ना आता है कार्बोक्सिल एंड पोस्तानते नुकलाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लीनियर सिक्वेंस को हम कहते हैं द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है दक्संगे जो नॉर्मल केस को ना दस्ता ना, जो प्रोटीन जो होते हैं जो अमाइनो एसिड उनके अंदर होता है वो नॉर्मली जो है वो लीनियर सिक्वेंस में नहीं होते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू द हैवीनेस इट टेंड्स टू बेंड, उनमें बेंडिंग हो जाता है, ठीक है, कोने ना बेंडिंग छान होकर। सो बेंडिंग जब उनमें होता है वो एक हेलिकल फॉर्म में फॉर्म होता है, कोने ना बेंडिंग छाचेंगे आपको, दे कैन आइदर फॉर्म अ अल्फा हेलिक्स फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ बीटा शीट्स, या अल्फा हेलिक्स से फॉर्म है ना छानो या बीटा शीट्स कोने फॉर्म है ना कोने ना क्वाइलिंग छान होकर, ठीक है। सो पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑफन कॉइल्ड इन टू अ रेगुलर स्पाइरल शेप होना कहाँ होता है अल्फा हेलिक्स से रहते देन बीटा प्लेट बीटा शीट मीन्स कहा होना खून शीट ए फॉर्म है ना फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको मेंटेन रखता है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कोने जो हाँ क्वाइलिंग होते हैं सी जाते सोते हैं अनुकले हाइड्रोजन बॉन्ड कोने सोते हैं अनुकले, ठीक है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं दिस क्वाइलिंग हुआ है, तो क्वाइलिंग इसमें क्वाइलिंग जिनको हम अल्फा हेलिक्स भी कहते हैं या फिर उनमें बीटा शीट्स के फॉर्म में भी कन्वर्जन हुआ होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उनमें क्या हुआ है, सॉरी क्वाइलिंग हुआ है, ठीक है, क्वाइलिंग सोते युद्ध क्या, ठीक है, कौन ना को स्ट्रेट हुआ मनोकले तो ई स्ट्रक्चर पर का बिना क्वाइल सोते होते क्वाइलिंग सोते दिन ते बंगा चीज जन ले सेकेंडरी स्ट्रक्चर जन ले, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज द टर्शियरी। अब जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं जो क्वाइलिंग हुआ है, तो क्वाइलिंग छकन वो दे फोल्ड ऑन इट सेल्फ को खुरा उन खुरा चिकना चीज का फोल्ड सौंते हो क्या, ठीक है, और एक होलो बॉल की तरह इनका एक फॉर्मेशन होता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नाउ द टर्शरी स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम अब क्या कहते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, द हेलिकल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल दे फोल्ड ऑन इट सेल्फ, उनमें खुद ब खुद उनमें जो क्वाइलिंग है ना ऑलरेडी क्वाइलिंग सोते दो वाले ये क्वाइलिंग छकन वो तीन चीज सोते निकले खून नंग खुरा चिंग नची का फोल्ड सोते निकले, ठीक है। तो उनमें दे फोल्ड ऑन इट सेल्फ एंड अज्यूम अ कॉम्प्लेक्स होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस जियोमेट्रिकल शेप इज नोन एज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ऐसे वाले दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है उनमें क्या होता है वो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। सो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है, इट गेट दे आर द असेंबली ऑफ मोर देन वन और टू पॉलीपेप्टाइड ईच हैविंग एन अप्रोप्रिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर।
एक को हम देखते हैं तो इस रिरे ना तेरे ना था पूरा कंप्लीट प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी स्ट्रक्चर्स उन ना था कंप्लीटली थोन ऑकले ठीक है तेरे ना था क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर है एग्जांपल जिक्जे ना तेरे ना था यो ऑन ऑकले हेमोग्लोबिन ठीक है तो कौन आता है हेमोग्लोबिन तो हेमोग्लोबिन जो है दे आर मेड अप ऑफ टू अल्फा चेन एंड टू बीटा चेन ठीक है तो दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन के बने होते हैं सो दिस इज द क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन तो इनका एग्जाम्पल है ठीक है सो दिस आर दी नाउ दिस आर दी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन तो प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन को प्ले करता है ठीक है अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट इज ऑन योर बुक पेज नंबर आप देख सकते हैं 147 का टेबल 9.5 में ठीक है टेबल 9.5 में आप देख सकते हैं सो सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन कुछ प्रोटीन को उन्होंने नाम दिया है और उनका फंक्शन आप लोगों को दिया गया है ठीक है तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे टाइप्स के हमारे पास प्रोटीन है और वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है सो प्रोटीन अगर हम देखा जाए प्रोटीन जो है इसमें सबसे पहले दिया गया है कोलेजन ठीक है सो क्या दिया गया है कोलेजन तो कोलेजन हमें पता है पहले से ही सो कोलेजन जो है वो क्या है कोलेजन कोलेजन जो है वो हमारे पास क्या है इट इज़ एन कनेक्टिव टिश्यू ये हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है ये कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे कहाँ पे होता है स्किन के नीचे होता है एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो कि हमारे सेल एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है और ये हमारे स्किन को इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है ठीक है नेक्स्ट वन इज़ इसमें दिया गया है ट्रिप्सिन तो दूसरा दिया गया है ट्रिप्सिन जो ट्रिप्सिन जो है हमें पता है इट इज़ अ डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक है तो ट्रिप्सिन जो है वो भी एक प्रोटीन है कोलेजन जो है वो भी एक प्रोटीन है तो डाइजेशन में इंजाइम्स जो है वो भी क्या है इट्स अ प्रोटीन तो प्रोटीन मतलब इंजाइम्स को नोचे नोकले प्रोटीन है नोकले ठीक है सो इंजाइम्स को नहीं दक्षा था इंजाइम्स को नहीं स्ट्रक्चर को टर्शरी स्ट्रक्चर जो नोकले ठीक है नाउ द थर्ड वन इज इंसुलिन ठीक है इंसुलिन का हम नाम इसने लिखा है इंसुलिन एज यू नो इट इज़ अ हॉर्मोन ये हमारे बॉडी में पेनक्रियाज जो है इसको सिक्रीट करता है विच कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कंट्रोल रखता है इंसुलिन ठीक है फिर उसके बाद आता है एंटीबॉडी आता है एंटीबॉडी उनले आता है डिफेंसिव मैकेनिज्म हमारे बॉडी में जो कि हमारी इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है का उन्हें फॉरन आता है इन्फेक्शन गुन नंगो फाइट चौला पे हेल्प चौथा हल ले सो एंटीबॉडी दे आर ऑल्सो प्रोटीन और कुछ रिसेप्टर्स हैं रिसेप्टर्स काउन आता है जैसे कि हमारे स्किन में है ठीक है या अंगता है टंग गुने का यौन नुकले ठीक है फिर रिसेप्टर्स को नीचे चौन नुकले जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उनको रिसीव करके हमारे न्यूरॉन तक पहुंचाता है ठीक है तेन तेज इज रिसेप्टर्स को नाम चेना पर डुबते नुकले कहता है प्रोटीन नंगे पर डुबते नुक ठीक है फिर उसके बाद है यहाँ पे द लास्ट वन इज GLUT4 ठीक है अब ये क्या है ये हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थ्रू ग्लूकोज का जो मूवमेंट जो होता है ये किसके थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ एन ट्रांसपोर्टर विच इज़ कॉल्ड एज द GLUT4 ले सो ये उनका फंक्शन जिखा चिखता उससे तो खाला का वो होता है चीनों के लिए प्रोटीन प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन है और ये एक लिविंग सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है ठीक है सो ये है आपका प्रोटीन तो इसको आप देखिएगा कि प्रोटीन क्या है इनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कितने लेवल के इनका स्ट्रक्चर हो सकते हैं और हमारे बॉडी में कुछ एग्जाम्पल्स ठीक है तो ये 1-2-3 मार्क्स का आ सकता है आपका ये फंक्शन ठीक है नेम सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शन परफॉर्म इन द लिविंग सेल ठीक है तो इसको आप ज़रूर देखिएगा तो कोई सा भी प्रॉब्लम है एंड प्लीज़ नोट इट डाउन ऑन योर कॉपीज़